दोस्तों हाथों पैरों या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक होने वाली सूजन यानी स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो तो उसे हल्के में ना लें। यह बॉडी में कई तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। हालांकि स्वेलिंग कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये बीमारी की ओर इशारा जरूर करती है। शरीर के अलग अलग अंगों में स्वेलिंग अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम को दर्शाती है। जैसे चेहरे व हाथ पैरों पर सूजन गुर्दे या फिर किडनी की बीमारी के वजह हो सकती है। जांघों और हाथ पर सूजन हार्ट प्रॉब्लम को पॉइंट करती है। वहीं पेट की सूजन लीवर या फिर किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर महिलाओं को मासिक धर्म की वजह से भी शरीर पर स्वेलिंग हो सकती है, जो समय के अनुसार अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, बॉडी में ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसे कम या फिर ज़्यादा होने पर बॉडी को इफेक्ट करते हैं। बॉडी में पोटेशियम की कमी से ये सारी प्रॉब्लम होती है। पोटेशियम हमारे शरीर में सोडियम से मिलकर एनर्जी पैदा करता है, जिसकी कमी की वजह से शरीर में सोडियम बढ़ जाता है। इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं रहती कि बॉडी में पोटेशियम की कमी की वजह से शरीर में ऐंठन, जकड़न, हाई बीपी की प्रॉब्लम और मांसपेशियों में दर्द रहता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम होगा तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगा। जब हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है तब हाथों पैरों में सूजन होने लगता है। दोस्तों, जब अपने डाइट में आप नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से जितना भी नमक है वो हमारी बॉडी में जमा होता जाता रहता है। यूरिन के जरिए जो नमक है वो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो निकल नहीं पाता और पानी कम पीने की वजह से यूरिन भी कम आता है, जिससे हाथों पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वो भी बिना किसी बीमारी के। शरीर में कहीं भी सूजन दिखे, चाहे वह कितनी भी हल्की लगे, डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है कि जांच में कुछ भी ना निकले, पर ऐसी स्थिति में हार्ट, किडनी, लीवर की जांचों में किसी बड़ी बीमारी के संकेत भी मिल सकते हैं। मैंने कितने ही केस देखे हैं जहां मामूली सी सूजन की जांच कराने आए व्यक्ति के दोनों गुर्दे खराब निकले या उसके दिल का पंप बहुत ही खराब निकला। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जांच करवाना बेहतर है। यदि आप ज़्यादा शराब पीते हों, दर्द की गोलियां हमेशा खाते रहते हों, यदि पहले आपको कभी भी पीलिया हुआ यानी जॉइंटिस हुआ है, हार्ट अटैक हुआ हो, दमे या फिर बीपी की दवाइयां खाते हों, तब तो सूजन होने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लें। ऐसे केसेस में सूजन होने पर मरीज की पूरी जांच की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम होने पर शरीर का वजन बढ़ने, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने या फिर खड़े रहने, बढ़ती उम्र या फिर सही से ना खाने पीने की वजह से भी सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों, एक्सरसाइज ना करने, कोई सर्जरी होने, डायबिटीज से पीड़ित होने की वजह से भी हाथों पैरों और चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है। चलिए अब जानते हैं कि स्वेलिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए और कौन कौन से वो आयुर्वेदिक उपाय हैं जिससे आप स्वेलिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। स्वेलिंग से छुटकारा पाने के लिए आप अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल कर लें। पहली चीज़ है ब्रोकली। दोस्तों, बॉडी में होने वाले स्वेलिंग को कम करने के लिए आप ब्रोकली खा सकते हो। यह सब्जी सल्फोराफिल नामक एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा बॉडी को देती है, जो सूजन से लड़ने में मदद करती है। यह साइटोकिन्स और NFKB की मात्रा को कम करता है, साथ ही हार्ट डिजीज और कैंसर के जोखिमों को कम करने में भी हेल्प करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली खाइए। फैटी मछलियाँ जैसे कि सैलमन, मैकरेल, सार्डिन जैसी मछलियाँ अपने आहार में शामिल कीजिए। ये मछलियाँ ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे EPA और DHA के सबसे बड़े स्रोत हैं। ये फैटी एसिड सूजन को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो डॉक्टर से बात कर आप ओमेगा-3 का सप्लीमेंट भी ले सकते हो। रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी पीजिए। शरीर में होने वाले सूजन को कम करने के लिए ग्रीन टी बहुत ही फायदेमंद है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्वेलिंग को दूर करने वाले कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं। रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध पीकर सोइए। एक गिलास दूध में 2 चुटकी हल्दी मिलाइए। मिठास के लिए आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना मिश्री का सेवन करें और इसका सेवन लगातार करें। ध्यान रखिए कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो आपको सिर्फ 2 चुटकी ही हल्दी मिलाना है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो 1 से 2 ग्राम कच्ची हल्दी उसमें मिला सकते हो। कच्ची हल्दी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो पाउडर बाजार में मिलते हैं वो ज़्यादातर डुप्लीकेट होते हैं। तो आप कच्ची हल्दी या फिर गांठ वाली हल्दी को घर पर ही पीस लीजिए और उसे दूध में मिलाकर सेवन कीजिए।
स्वेलिंग को दूर करने के लिए अदरक भी बहुत ही फायदेमंद है। अदरक दोस्तों सूजन आने का जो सबसे मुख्य वजह होता है सोडियम होता है, उसको ये पतला करता है। दिन में एक या दो बार अदरक के तेल से स्वेलिंग वाली जगह की मसाज कीजिए। आप दिन में एक बार अदरक की चाय भी पी सकते हो, या फिर खाना खाने के बाद अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे आप मुंह में रखकर चूसिए। इससे आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और स्वेलिंग की समस्या भी दूर होगी। पूरे दिन में आप चुकंदर और खीरे का सेवन जरूर कीजिए और साथ ही साथ नींबू पानी भी पीजिए। चुकंदर बॉडी को डिटॉक्स करता है, खीरे में बहुत सारा सा पानी होता है और नींबू पानी भी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो कि स्वेलिंग को पूरी तरह से दूर करती है। इसके अलावा एक लीटर पानी में एक कप जौ को उबाल लें। जौ जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसे बार्ले कहते हैं। इसे उबाल लीजिए लगभग 5 से 10 मिनट तक और ठंडा करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीजिए। इसे बहुत ही जल्दी स्वेलिंग दूर होती है। बॉइल्ड पोटैटो उबले हुए आलू खाने से बॉडी में जितना भी सोडियम है वो बॉडी से बाहर चले जाता है। इसके अलावा एक उपाय और है दोस्तों जो बहुत ही इफेक्टिव है, वो है धनिया का बीज। जी हाँ, रात को 1 से 1.5 चम्मच धनिया के बीज को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और ढक कर रख दीजिए और सुबह उसे धनिया के सहित ही गर्म कर लीजिए और इसका आपको छान कर इस पानी को पीना है सुबह खाली पेट। जी हाँ, धनिया का पानी लगातार आपको 1 महीने तक सेवन करना है और खाली पेट करना है। इससे अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो, यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, तो इसे भी तेजी से कम करता है। साथ ही साथ ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। दोस्तों धनिया थायराइड वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, तो आप धनिया का पानी जरूर इस्तेमाल करके देखिए। धनिया की तासीर ठंडी है, तो इस गर्मी के मौसम में बड़ी ही आसानी से आप ले सकते हो। स्वेलिंग को दूर करने के लिए डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप स्विमिंग भी कर सकते हो। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक जॉगिंग या फिर वॉकिंग करें। इसके अलावा जिनके पैरों में स्वेलिंग आती है उन्हें अपने पैरों की सिकाई करना चाहिए। 4 मिनट ठंडे पानी और 5 मिनट गुनगुने पानी में पैरों को रखें। ऐसा करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और मसल पेन दूर होता है। पूरे दिन में 2 से 3 केले जरूर खाइए। केला में पोटेशियम होता है जो सोडियम को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। खजूर भी खा सकते हो, खजूर में भी पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में बढ़े सोडियम को ये कम करेगा। तो दोस्तों साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि गर्मी के मौसम में आपको फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए, घर पे मटका ले आइए, आप उसका पानी पीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को इस जानकारी को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। जिन्हें भी इस तरह की समस्या है, स्वेलिंग की समस्या है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए और जाते जाते वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।